रंग फकीरी दे यूट्यूब चैनल देख रहे सारयां नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। परमात्मा सब दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखे। दोस्तों, पिछली वीडियो च मैं तुहानूं दस्या सी कि किवें पता चलदा है कि तुहाडियां शक्तियां घर ते शरीर नूं किसे ने बन्न दित्ता है, किहड़े संकेत हुंदे ने जिस तों पता चलदा है कि बंधन कीता होया है। दोस्तों, देवी देवतियां नूं बन्निया नहीं जांदा, बन्निया जांदा है तुहाडे शरीर नूं। तुहाडे शरीर नूं अशुद्ध किया जाता है। तुहाडे शरीर ते कोई भी देवी देवता कृपा नहीं करता, तुहाडे शरीर ते कोई भी देवी देवता नहीं खेलता। यह मैं सब पिछली वीडियो तुहानूं दस्या सी कि किहड़े संकेत मिलते हैं, पर अज की इस वीडियो मैं तुहानूं दसांगा कि आपदे बंधन किवें खोले जा सकते हैं, किवें बंधना तो मुक्त हो सकते हो। पर उस तो पहला जेकर तुसी रंग फकीरी दे यूट्यूब चैनल नूं पहली बार देख रहे हो तो सबसक्राइब कर लवो ते घंटी वाला बटन जरूर दब लेना। दोस्तों, पिछली वीडियो च मैं तुहानूं सत संकेत दसे सन जिन्हां विचों एक भी तुहाडे कोल आ रहा है तां समझो किसे ने तुहाडे ते बंधन कीता होया है। तुहाडे ते देवी देवता दी कृपा तां है पर पूरी नहीं आ रही। तुहाडे शरीर नूं अशुद्ध किया जाता है तां जो तुहाडे देवी देवता तुहाडे ते कृपा ना कर सकन। तुहाडियां शक्तियां किवें बन्नियां जांदियां है, की संकेत हुंदे ने जिस नाल पता चलता है कि तुहाडा शरीर बन्निया होया है, ये सब जानने लई तुसी मेरी पिछली वीडियो जरूर देखना। उस विच मैं तुहानू सत संकेतां बारे दस्या है। हुण गल करदे हाँ शक्तियां किवें वापस बुला सकते हाँ, साडे शरीर दे बंधन किवें खोल सकते हाँ। पूरी विधि चंगी तरह तुसी नोट कर लवो। एक गल होर, बहुत सारे वीर ते पैणा मैसेज राही मेरा नंबर पुछदे है, तो मैं दस देवां कि हर वीडियो दी डिस्क्रिप्शन दे विच मेरा नंबर दिता हुंदा है। तुसी मेरा नंबर ते वट्सअप नंबर उस तो लै सकते हो। नंबर मेरा हैगा 9781513। जेकर तुसी मेरे नाल गल करना चाहते हो तो वट्सअप राही तुसी मेरे नाल गल कर सकते हो, पर मेरे नाल गल करन दी जिहड़ी फीस है वह 500 रुपया हैगी है। जो भी मेरे नाल गल करना चाहता है वह 500 रुपया खाते दे विच जमा करावे, फिर मेरे नाल गल करे। जिस दी पूरी जानकारी डिस्क्रिप्शन दे विच दित्ती हुई है, QR कोड भी डिस्क्रिप्शन दे विच दित्ता होया है ते UPI नंबर भी उहदे विच दित्ता होया है। हुण गल करदे हाँ वापस अपने बंधन खोलन दी, तां तुसी नोट कर लवो बंधन खोलन लई तुहानू की करना है ते किहड़ा किहड़ा समान तुहानू चाहीदा है। पहलां जिहड़ी समगरी है वह नोट कर लवो, किहड़ा किहड़ा समान तुहानू चाहीदा है वह समगरी नोट कर लो। एक हवन कुंड चाहिए, हवन थोनू करना पड़ेगा, वो हवन की समग्री नोट कर लो। एक हवन कुंड चाहिए, अंब की लकड़ चाहिए है, हवन समग्री चाहिए है, पंचमेवा, गां का देसी घ्यो, जौ, गुगल, कपूर, लौंग, पतासे, एक जायफल, एक सुपारी, ये समग्री है जी लै लवो तो इनू सारे नू मिला लवो, घ्यो दे विच सारी समग्री मिला लवो तो इसनों एक बर्तन दे विच पा के रख लवो। ये समग्री तैयार हो गई। हुण एक होर भांडा लै लवो, उस विच अलग तो एक छोटी जी समग्री होर तैयार करनी है, वो केड़ी समग्री है वह भी नोट कर लवो। तुहानू चाहिए है थोड़ा जा हवन की समग्री, देसी घ्यो, उस दे विच लक्कड़ का बूरा थोड़ा जा, ते दो लौंग, एक पतासा, दो इलायची ते एक जायफल। ये सारिया चीज़ा लैके थोड़ा जा थोड़ी जी समग्री बना लवो, लोटे के जिन्नी ते बना के रख लवो। हुण तुहाडे कोल दो प्रकार की समग्री हो गई है। जो पहली समग्री है वह हवन वाली है, उस नाल हवन करना है, ते जो दूजी समग्री है वह एक सुके ते साबट गुट दे विच भरनी है। गट जिहड़ा आपां बाजार दे विचों सानूं मिल जांदा सुक्का होया नारियल का गट जिहड़ा हुंदा वह मिल जांदा है, साबुत गट लैना है, उहदा उत्तों थोड़ा जिहा मूँह बनाना है, वढ़ना है उहनूं, वढ़ के टोपी जी अलग करनी है, तो उहदे विच जिहड़ी दो नंबर भांडे दे विच तुहाडी समग्री बनाई है, बूरा, घ्यो, थोड़ी हवन समग्री, जायफल, दो इलायची, पतासा, दो लौंग, इहनूं उहदे विच मिला के उस गट दे विच भर देना है। जदों तुसीं उस गट नूं भर देना है तो उहदे उत्ते उह जिहड़ा मूँह वढ़िया है उसनूं उहदे नाल बंद कर देना है, तो कलावे दे नाल उसनूं पूरे तरीके नाल गट नूं बन्न देना है। बन्न के रोली जिहड़ी हुंदी है रोली लाल रंग की, उहदे नाल उहदे उत्ते तुसीं स्वास्तिक बना देना है, गणेश जी का जिहड़ा निशान हुंदा है स्वास्तिक का वह बना देना है।
हुण तुसीं करना की है, सवेरे सवेरे हवन करना है ते हवन दे विच सब तो पहला 3 आहुतियां गणेश जी दियां देनियां है। मंत्र बोलना है ओम गं गणपते स्वाहा। 3 आहुतियां देनियां, 3 वारी ये मंत्र बोलना है। इस मंत्र दे नाल तो बाद जिहड़ियां हैगियां तुसीं 3 आहुतियां देनियां है। उस तो बाद तुसीं नव ग्रह दियां 3-3 आहुतियां देनियां, 9 ग्रह है, 9 दा नाम लैके 3-3 आहुतियां उन्हां दियां देनियां। फिर अपने पितरां दियां 11 आहुतियां देनियां, उन्हां दे विच तुसीं मंत्र बोलना है ओम मम सर पितर देवाए स्वाहा। ये 11 आहुतियां आपदे पितरां दियां देनियां। फिर कुल देवता दियां 11 आहुतियां देनियां, ओम मम कुल देवताए नमः। इस मंत्र बोलना है ओम मम कुल देवताए नमः स्वाहा। फिर 11 देवी दियां, कुल देवी दी जिहड़ियां थोड़ी कुल देवी है उहदियां 11 आहुतियां देनियां, उहदे विच मंत्र बोलना है ओम मम कुल देवी नमः स्वाहा। ये आहुतियां देने तो बाद फिर तुसीं 3 आहुतियां देनियां हैगियां ग्राम देवता दियां, ओम ग्राम देवताए नमः स्वाहा। फिर तुसीं 3 आहुतियां देनियां भैरव बाबा दियां, ओम भैरवाए नमः स्वाहा। ये सब करन तो बाद तुसीं 9 माता दियां 9 आहुतियां देनियां, 9 माता 9 दियां 9 दी एक एक आहुति तुसीं देनी है। इस तरह जदों तुसीं सारियां आहुतियां दे दित्तियां उस तो बाद जिहड़ा गट तुसीं बनाया है उस नूं घड़ी दे उल्ट 7 वार आपदे सिर तों वारना है। जिवें घड़ी चलदी है 12, 1, 2, 3, 4 उवें नहीं, तुसीं 12, 11, 10, 9 इस तरीके नाल जो जिवें पुट्ठी घड़ी चलदी है तां पुट्ठा वारना है। 7 वार वार के आपदे सिर तों ते ओह जिहड़ी हवन हैगा हवन दे विच तुसीं रख देना है, अग दे विच रख देना है। फिर तुसीं 21 आहुतियां जिहड़ियां ओह देनियां है, वह 21 आहुतियां दे विच जिहड़ा मंत्र बोलना है वह तुसीं नोट कर लवो, चंगी तरह नोट कर लेना, ध्यान दे नाल सुन लेना। इसका जिहड़ा मंत्र हैगा वह मैं तुहानूं डिस्क्रिप्शन दे विच लिख देवांगा, उतों भी तुसीं पढ़ सकदे हो। जल खोलूं थल खोलूं, खोलूं जल की काई, 12 कोस की अपनी विद्या खोलूं, हनुमत वीर की दुहाई, दुहाई ईश्वर महादेव गोरा पार्वती की। मंत्र एक बारी दोबारा पढ़ रहा है, इसनों ध्यान नाल सुन लेना, डिस्क्रिप्शन दे विच भी दे देवांगा उतों तुसीं नोट कर लेना। जल खोलूं थल खोलूं, खोलूं जल की काई, 12 कोस की अपनी विद्या खोलूं, हनुमत वीर की दुहाई, दुहाई ईश्वर महादेव गोरा पार्वती की। इस मंत्र दे नाल 21 आहुतियां जिहड़ियां तुसीं उह गट दे उत्ते देनियां है। इस मंत्र तो बाद 21 आहुतियां देने तो बाद तुसीं अरदास करनी है कि हे माता राणी, हे मेरे इष्ट देव, मेरे अते मेरे परिवार ते कोई भी बंधन है उस बंधन नूं खोलो, सारे देवी देवता मेरे कोल आ सकन, मेरे शरीर नूं शुद्ध करो। इस तरह तुसीं यह हवन है जिहड़ा वह लगातार 9 दिनां तक करना है। तो जिहड़ी समग्री तो जिहड़ा तरीका मैं तुहानूं दस्सिया वह एक दिन का है, यानी इसे तरीके नाल तुसीं 9 दिन करना है। 9 दिनां वास्ते 9 वार तुहानूं 9 अलग अलग समग्रियां लैनियां पैणगियां, 9 गट लैने पैणगे, उहनां दे विच 9 वार अलग तो समग्री जिहड़ी है वह पानी पाऊगी। ये ध्यान रखना, ये एक दिन की प्रक्रिया हैगी है जिहड़ी मैं तुहानूं दस्सी है। तुसीं इस हवन नूं 9 दिनां तक लगातार करना है। जदों 9 दिनां तक लगातार तुसीं इस प्रक्रिया नूं कर लवोंगे, इस हवन नूं कर लवोंगे, 9 हवन यानी कि हो जाणगे तुहाडे, तां तुहाडे उत्ते वड्डे तो वड्डा बंधन भी है वह खुल जाएगा, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं रहेगा। सारे देवी देवता खुल जाएंगे, तुहाडियां शक्तियां खुल जाएंगियां, तुहाडा शरीर खुल जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, जो भी कृपा रुकी हुई है सारी आन लग जाएगी, किसी प्रकार की कोई समस्या हैगी सारी दूर हो जाएगी। उम्मीद करता हाँ कि आज की यह वीडियो तुहानू पसंद आई होगी, इसनों ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल ना भुलना। तो जेकर तुसी रंग फकीरी दे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो इसनों सबसक्राइब जरूर कर लवो, तो कैंटी वाला बटन जरूर दब लेना ता जो हर नवी वीडियो की नोटिफिकेशन तुहाडे कोल सब तो पहला पहुँच सके। इहो जिहियां होर जानकारियां लई तुसी जुड़े रहो रंग फकीरी दे यूट्यूब चैनल दे नाल।